को तबाह करने की मुहिम। लबनान सरहद पर इसराइली फौज को जमीनी कार्रवाई के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा। हिजबुल्ला के मुंह तोड़ जवाबी हमलों में दर्जनों इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल ने कमांडर समेत 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के इलाके दाहिया में हमला हुआ, 9 अफराद जां बहक। इलाका मकीनों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई। इसराइल मशरिक़ वुस्ता को तबाह करने के जुनून में लबनानी सरहद पर इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाई का दूसरा रोज। हिजबुल्ला का सरहद पार करने वाले इसराइली फौजियों को मुंह तोड़ जवाब। इसराइली कमांडोज को एंटी टैंक मिसाइलों से निशाना बनाया। दुश्मन फौज पर कुफर कला में बारूद से हमला। मारवान रास में सिहोनियों के 3 टैंक तबाह कर दिए। ताबड़तोड़ हमलों में दर्जनों इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। इसराइली फौज ने नौजवान कमांडर समेत 8 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्ला का मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। इसराइली फौज के लबनान में फिजाई हमले जारी। बैरूत के मज़ाफ़ात और वस्त पर हमला, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गयी। दाहिया पर बमबारी में 9 अफराद जान से गए। नबातिया समेत 25 इलाकों के शहरियों को इनखला की वार्निंग जारी। वादी बेका में बमबारी, पार्लियामेंट के करीब भी हमला। ममनुआ फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया, कई अफराद हलाक। तिब्बी मरकज को भी निशाना बनाया गया। इमदादी कारकुनों समेत 7 अफराद जान से गए। बिनते जबैल में रिहायशी इमारत पर हमला, इमदादी कार्रवाई के दौरान लबनानी फौजी शहीद हो गया।